राजकारण करताना आणखी किती खालची पातळी गाठणार असा प्रश्न आता महाराष्ट्र विचारू लागलाय. एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपांची चिखलफेक करणाऱ्या नेत्यांची भाषा देखील आता शिवराळ झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून संजय राऊत दररोज माध्यमांशी संवाद साधताना सोमयांवर आरोपांच्या फैरी झाडतात. आज मात्र किरीट सोमयांवर टीका करताना संजय राऊत यांची जीभ घसरली. सोमयांबद्दल शिवसेना खासदार संजय राऊतांनी अपशब्द वापरले. नुसते अपशब्दच वापरले नाहीत तर त्यावर आपण ठाम आहोत असंही राऊत म्हणाले. सवाल आया है बीजेपी की तरफ से. किरीट सोमैया ने कहा है कि सोनिया गांधी से परमिशन ली है केसीआर से मिलने के लिए शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे ने, क्योंकि पिछली बार ममता बनर्जी आई थी तो सोनिया गांधी ने कुछ कहा था तो उसके बाद. ये किसने कहा है? किरीट सोमैया. कौन है ये? कौन है मुझे मालूम. ऐसे बहुत है इस देश में और के ऊपर शिवसेना या देश की राजनीति के बारे में सवाल जवाब करना आपको शोभा नहीं देता. मीडिया को देश की राजनीति 2024 के बाद ऐसे लोगों को ख़त्म करेगी. नहीं रहेंगे ऐसे लोग इस देश में. उद्धव ठाकरे जी से एक मुख्यमंत्री मिलने आता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, उसका इस प्रकार से अपमान करना, ये बीजेपी के जो लोग हैं ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का अपमान है. ये 11-11.5 करोड़ मराठी लोगों का अपमान है कि इस प्रकार की भाषा इस प्रकार की इस्तेमाल करना. इसलिए मैंने उनको चुटिया बोला है, आई रिपीट. और ऐसे लोगों को महाराष्ट्र में केंद्र सरकार सिक्योरिटी देती है, ये भी महाराष्ट्र का अपमान है. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.